खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री ने बेड़िया के 5.5 करोड़ से निर्मित मिर्च मंडी का उद्घाटन किया और मंच से दिए गए उद्बोधन में उन्होंने अवैध रेत उत्खनन को लेकर बयान दिया है। नदियों से जेसीबी पोकलेन दिखे तो रासुका लगाओ, नहीं तो कलेक्टर एसपी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। हम आपको बता दें कि रेत खनन की कवरेज के लिए पत्रकार खनिज अधिकारी से मिले, जिस पर अधिकारी ने 6 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें पत्रकारों में खासा रोष है। ऐसे में प्रभारी मंत्री दिया गया बयान ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा के रख दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिले में कानून का राज चलेगा। सच्चे जुए अवैध खनन, नर्मदा नदी में अगर पोकलेन मशीन चली, पानी में से रेत निकली, ओवरलोड में लोग निकले, सबको बंद करो, रासुका में डालो, और नहीं तो मैं कलेक्टर एसपी के खिलाफ ही बात करूंगा। उन्होंने मतलब अवैध उत्खनन को लेके कहा है कि प्रशासन पे कार्रवाई करूंगा, और इस तरह देखा है तो पत्रकारों को भी जब राइट लेने गए तो प्रशासन इन पे ही झूठे व केस दर्ज कर दिया गया। यही दोहरी नीति तो समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ शासन के लोग कहते हैं कि रासुका की कार्रवाई की जाएगी अवैध उत्खनन वालों के लिए, प्रभारी मंत्री खुद कमल पटेल जी खरगोन जिले के प्रभारी, उन्होंने भी यही बोला है कि एसपी कलेक्टर पर तक पे मैं कार्रवाई कर दूंगा। दूसरी तरफ वही खनिज अधिकारी पत्रकार लोग जब इस विषय में, या अभी रेत भंडारण रखा गया एक जगह पकड़ा गया है, उसकी जब वो बाइट लेने गए और उस विषय में चर्चा करने गए तो उसे खनिज अधिकारी ने संबंधित पत्रकारों की एफआईआर दर्ज कर दी। तो ये शासन प्रशासन की दोहरी नीति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चत भी मेरी पट भी मेरी, एक तरफ रासुका की कार्रवाई करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पत्रकार जब इस विषय को लेकर चलते हैं तो उन पर एफआईआर क्यों हो जाती। तो ये दोहरी नीति है, ये दोगलापन है, और हमारे सब पत्रकार भाइयों ने आज इसका विरोध करा है और हम आगे भी इसका विरोध करेंगे जब तक हमारे भाइयों के खिलाफ ये जो केस दर्ज करा झूठा मुकदमा इसे वापस लिया जाए, नहीं तो हम पूरे पत्रकार जगत खरगोन जिले के इसका घोर विरोध करेंगे। और कड़ी निंदा के साथ में ये शब्द बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश ठक्कर, तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।